सो थैंक यू सो मच गेमर्स, आप लोग मेरे वीडियोस की इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो भाई साहब, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। एंड आप लोग बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस भी दे रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। एंड गाइस, अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जरूर से देख लेना, हम लोगों ने ये हाउस वेयर का रूम जो है वो सेटअप किया हुआ है, तो ये वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड अगर आप लोग जानना चाहते हो कि टॉय वाला रूम हम लोगों ने कैसे सेटअप किया, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी चेकआउट कर लेना। एंड मेरे भाई रुको रुको, सबर रखो थोड़ा। एंड यहाँ पर गेमिंग रूम भी है, तो इसको भी हम लोगों ने बहुत मेहनत करके ये सेटअप किया हुआ है, तो यार इसकी वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना आप लोग। एंड आप लोग दूसरी सीरीज को भी सपोर्ट करो यार, जैसे कि मैंने रैन सिमुलेटर स्टार्ट किया हुआ है, तो रैन सिमुलेटर भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है एंड आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बट कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि मैं और भी गेम्स खेलता हूँ या खेल रहा हूँ। सो आप लोग जरूर से चेकआउट करना, मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना कि आप लोगों को वो सीरीज भी कैसी लग रही है। एंड आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि यार इस वाले एरिया पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें रखो, बट आई एम रियली सॉरी, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर अगर मैं कुछ दूसरा चीज करूँ तो तुम लोग का एतराज तो नहीं होगा ना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें ना रख के मैं यहाँ पर ग्रोसरी के जितने भी चीजें हैं ना, जैसे कि ये सब रखा हुआ है वो रखेंगे। अगर ये नहीं रख पाया, अगर अच्छा नहीं लगा, तब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें रखेंगे। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि इन सब चीजों को यहाँ से पहले हटाने वाला हूँ, जैसे कि भाई ये सब चीजें हटाने वाला हूँ भाई मैं, क्योंकि ये जितने भी खाने की चीजें ना यहाँ पर से भाई दूसरी तरफ जाने वाली है। एंड यहाँ पर आज हम लोग ग्रोसरी की जितनी भी चीजें ना, जो भी सामान है भाई खाने पीने की, वो सब सेटअप करने वाले हैं, समझ रहे हो। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर मेरे को भी नहीं पता ना वो कैसा लगने वाला है जो सेटअप मैं करने वाला हूँ। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें अपन सेटअप करेंगे, देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को हम लोग दूसरी जगह सेटअप कैसे कर सकते हैं, या कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो अपन आगे थोड़ा देखेंगे तब पता चलेगा, समझ रहे हो तुम लोग। वो मेरे को भी नहीं पता है, समझ रहे हो, कि मेरे दिमाग में जितने भी आइडियाज आ रहे हैं एंड वो सब यूज कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जितना अच्छा बना सको अपने शॉप को ना, जितना अट्रैक्टिव अपन उतना अट्रैक्टिव बनाएंगे इसकी भैंस की भाई। तो मैं क्या करता हूँ कि जल्दी जल्दी से गाइस यहाँ पर से पूरा सामान हटा देता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि भाई ये देख रहे हो तुम लोग, एक एक करके ऐसे सामान हटाना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं जल्दी से ये सब चीजें हटा देता हूँ गाइस। A few moments later. Okay guys, यहाँ पर मैं सेल्फ भी लेके आ गया, मतलब कि ये ब्लैक वाला सेल्फ लेने गया था मैं इक्विपमेंट शॉप पे। एंड यहाँ पर पूरा का पूरा सामान जो मैंने खाली कर दिया है, लेट्स गो भाई, तुम लोग देख सकते हो भाई दुकान की हालत देखो भाई, खतरनाक हो रखी है। हैं भाई अबे रुको, पहले ये बंद करने दो, ऐसा भी भाई फिर कंप्लेन आती रहेगी, दिक्कत हो जाएगा। इसकी ऐसी की तैसी मेरे सामान ये क्या हो गए ब्रो इतने सारे मेरे खराब सामान हो गए भाई, मैं तो बर्बाद हो गया, सत्यानाश हो गया भाई। हेलो, ये ऐसे दो मिनट ये फ्रिज के सामान को मैंने बाहर निकाल के रखा, तो ऑब्वियसली बात है खराब तो होगा ही ना भाई। गधेड़ा है गेम बॉय, तू सही बता रहा हूँ मैं भाई। यार मैं भूल गया था कि इसको बाहर निकालने से ये होती है चीजें भाई, पी खा के उड़काना पड़ेगा भाई इसको। भाई कसम से कितनी सारी चीजें यहाँ पे खराब हुई है, मतलब जितनी भी वो चीजें नहीं थी ना जो रिक्वायर्ड फ्रिज लिखा हुआ था भाई, पूरे को मेरे को जल्दी जल्दी फ्रिज में डालना पड़ेगा। अबे इसकी ऐसी की तैसी भाई, रुको 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 रुको, अबे यार ये तो गड़बड़ हो गया, रुको भाई पहले इन सबको रखने दो भाई मेरे को, इसलिए यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि ये सबको हटाना पड़ेगा भाई मेरे को। भाई मेरे को पता रहता ना, मतलब मैं भूल गया था एक्चुअली पे, सत्यानाश भैंस की भाई। रुको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा भाई मेरे को, भाई और भी नुकसान नहीं कराना है यार मेरे को। एंड रुको, एंड ब्लैक वाला लेके आया था ना, रुको पहली बात तो मैं इसको बीच में रखने वाला हूँ, सेंटर पे रखने वाला हूँ, तो यहाँ पे कैसा लगने वाला ये वो देख लेते हैं। ओके गाइस, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। एंड यहाँ पर और भी चीज़ें तो रख नहीं सकता हूँ, तो छोटे वाला लेके आया हूँ इसके लिए। अभी यहाँ पर ओके, यहाँ पर ये बाहर निकला हुआ इसलिए ऐसा पंगा कर रहा है ये, कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, ऐसे रख देता हूँ यहाँ पर। भाई सही लग रहा है यार, ये अटैचमेंट तो बहुत तगड़ी है यार इसकी, सच बता रहा हूँ, मैं तो खुश जाता हूँ भाई इस सब चीज़ों से, समझ रहे हो। एंड इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मतलब कि भाई थोड़ा से ऐसे करके, ये हुई ना बात। एंड बड़े वाले को इस तरफ रखने वाले हैं। भाई क्या जम रहा है यार, भाई कुछ भी बोलो भाई, क्या लग रहा है यार लेकिन मेरा दुकान अब भाई सही काम कर रहा है पून, तो ये बड़ा वाला चाहिए मेरे को। मम्मी ये गलत बात है यार, बर्बाद हो गया भाई मैं क्यों निकाला फ्रिज का सामान, गधेड़ा गेम बॉय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये देख रहे हो
क्यों भाई, थोड़े से क्या, एक दिन के लिए चला लेते तुम बिना फ्रिज के। देखो पूरा खराब, पैसा बर्बाद भैंस की भाई, मैं बता रहा हूँ ना गाइस, पूरा पैसा बर्बाद हो गया बे मेरा, साला दिमाग खराब। एंड इसको मैं यहाँ पे रखूंगा, लेट्स गो। एंड ये लो भाई, कूल लग रहा है भाई। एंड इसके लिए भी मेरे को लेके आना पड़ेगा, तो ये वाला क्यों लेके आया फिर मैं। ओके इसको यहाँ पे रखने के लिए लाया क्या, यहाँ पे रख देते अपन, यहाँ पे तो सही लग रहा है। बट ये व्हाइट व्हाइट का निकल चुका है, मतलब ये पीछे तरफ ना उसका निकला हुआ है ये, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहली बात तो मेरे को शॉप पे जाना पड़ेगा, कहाँ पे, जेबर इक्विपमेंट शॉप पे। नो इलेक्ट्रिसिटी पे दी बिल, ठीक है अभी तो फ्रिज में कुछ रख नहीं रहा, तो मैं कहाँ इलेक्ट्रिसिटी पे करूँ बे, चल भैंस की भाई। एंड मेरे को ये लेना है, एक और लेना है, और एक इसको ले लेता हूँ। पैसे भाई मेरे पास, पैसे भाई कमी पड़ रही है। एंड मेरे को वॉल भी खरीदना था क्या गाइस, मेरे पास वॉल था कि मेरे को खरीदना था यार, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है भाई। मेरे को ये वाला खरीद लिया अपन, एंड अपन जल्दी से चल जाते अपने शॉप पे, लेट्स गो। और भी कुछ चीजें भाई, सच में जितनी भी मेरी फ्रिज की चीजें थी ना, जितनी भी थी, सब के सब, एक भी नहीं बचा हुआ है साला, सब के सब खराब हो गए, मैं बर्बाद हो गया। सबसे महंगी चीजें आती है और फ्रिज की चीजें, समझ रहे हो तुम लोग, यहाँ पे रख देता हूँ। भाई पप्पी लग रहा है मेरा, ये तो बहुत पप्पी लग रहा है भाई। एंड अभी शायद मेरे को इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा भाई। भाई गजब यार, ये एक नंबर सेल्फ बनने वाला है मेरा, मतलब समझ रहे हो तुम ना, एकदम खतरनाक वाला। ओके अब सही लग रहा है मेरे को, जैसे कि अगर कोई भी आएगा सामान खरीदने के लिए तो उसको यहाँ फ्रिज में भी सामान मिलेगा, एंड आजू बाजू भी देख सकता है। वाह यार ये बड़ा ओपी आइडिया गेम बॉय, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी से मेरा फ्रिज क्यों चालू है, इसकी भैंस की भाई भूल गया क्या इधर इलेक्ट्रिसिटी मतलब की काटने के लिए, इसकी भैंस की भाई। एंड जो वॉल है, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको लगा दूँ, एंड ये वॉल को अपन यहाँ पे लगा दे, तो अगर कोई भी अंदर आएगा तो ये सही लग रहा है यार गाइस मेरे को। देखो ये सेल्फ को, और मैं अगर इसको यहाँ पे लगा दूँ तो, यहाँ पे लगा दूँ, इस तरह बाहर नहीं निकलेगा ना, बहुत बड़े बाहर नहीं निकल रहा है। अब यहाँ पे एक और, अगर मैं ये वाला सेल्फ अगर यहाँ पे लगा दूँ तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, मतलब कि मेरे को छोटा छोटा सेल्फ लेके आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो सेल्फ मैं लेके आ जाऊँगा। एंड सबसे पहली बात तो भाई तू यहाँ पे अंदर घुसर जा। ओके यहाँ पे आ चुका है। सो गाइस यार यहाँ पर मैंने ये वाले सेल्फ भी लेके आ गया है, मतलब छोटे वाले सेल्फ दो लेके आया हुआ हूँ मैं, क्योंकि बड़ा सेल्फ सच में बेकार लगता है, वहाँ पे ना बाहर निकल जाता तो वो बिल्कुल भी एकदम अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा बेकार लगता, तो इसलिए अपन ये वाला सेल्फ ला लिया। एंड अरे यार एक ही सेल्फ में हो गया यार अपना काम, तो बढ़िया है। एंड ये हो गया, एंड मैं एक और सेल्फ यहाँ पे डाल सकता, बिल्कुल डाल सकता हूँ मैं। ओके अब तुम लोग बताओ यार कमेंट करके कि अब सेल्फ कैसे मैनेजमेंट किया, जैसे कि कोई भी आएगा खरीदने के लिए ऐसे जाएगा, और मेरा ये फ्रिज भी रहेगा यहाँ पर। एंड ये देख लो भाई तुम लोग, भाई क्या जगह बनाया गेम बॉय तूने, भाई ओपी लग रहा है भाई मेरा यार, ये वाला स्टोर तो और भी ज़्यादा ओपी लग रहा है मेरे को। तुम लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। एंड सबसे पहली बात तो ये सब चीज़ें मेरे को जमानी पड़ेगी, और इन सब चीज़ों को जमाने में जितना टाइम लगने वाला ना भाई, तुम लोग सोच नहीं सकते इतना टाइम लगने वाला, मतलब भतेरे टाइम लगने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ कि जल्दी जल्दी से इन सब चीज़ों को जमा देता हूँ, एंड उसके बाद मैं अपना शॉप दिखलाने वाला हूँ भाई तुम लोगों को कि कैसा लगने वाला है। और देखो ऐसे बड़े बड़े चीज़ों को ऐसे कोंटे कोंटे में रखने वाला हूँ भाई, अच्छा लगेगा ऐसा रखूंगा तो मेरे ख्याल से, जैसे कि एक एक रख देता हूँ सबको। सो गाइस यार यहाँ पर पूरा का पूरा चीज मैंने कर दिया। सबसे पहली बात तो भाई ये मेरे को भूख लग रही है, पहले खा लूँ मैं है। एंड गाइस यार क्या आप लोग तैयार हो, जो मैंने यहाँ पर भाई जो जमाया हुआ है ना प्रोडक्ट को यार, वो बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है, होप तुम लोग को भी ओपी लगे। तो जल्दी से मैं आप लोगों को दिखला देता हूँ यार। अरे थोड़ा म्यूजिक बजा दो भाई। देख लो भाई ये कैसा लग रहा है, तुम लोग बताओ मुझे कमेंट करके भाई। ऑनेस्टली इतना प्यारा लग रहा है ना मेरे को, तो तुम लोग बताना कि तुम लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि आप में से बहुत लोग बोल रहे थे कि यार इस वाले रूम को इलेक्ट्रिक रूम बना देना, बट मैं इलेक्ट्रिक रूम नहीं बनाया, क्योंकि यार मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये वाला जो रूम रहेगा ना वो ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पर। इलेक्ट्रिक रूम हम लोग दूसरी जगह देखेंगे कहाँ पे बना सकते हैं। एंड रुको इसको पहले बाहर निकालना, तो भाई इतना घटिया सा लग रहा है ये वाला भाई। अब देखो भाई जिसको भी कुछ भी लेना लगा प्रोडक्ट ना, वो भाई डायरेक्ट अंदर घुसेगा, और भाई जो लेने का है, ओ माय गॉड, देख रहे हो कैसे इफरात में यहाँ पे सामान ला के रख दिया भाई मैंने, भाई तो भाई दार। और हाँ ये फ्रिज को भी मैं अंदर लेके आऊँगा, मैंने फ्रिज को बाहर इसलिए रख दिया था क्योंकि सामान जमा रहा था मैं, ठीक है। तो अभी अपन क्या करने वाले कि ये फ्रिज को मैं लेके जाने वाला हूँ, एंड इसमें भी हम लोग प्रोडक्ट ला के रखने वाले हैं,
लेकिन सबसे पहली बात ना एक बार जमा के देख लो भाई। ओके लेट्स गो गाइस, यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे फ्रिज रख दिया है। एंड गाइस यार अब आप लोग बताओ कि कैसा लग रहा है, अब यहाँ पर फ्रिज भी मैंने जमा दिया है। एंड भाई साहब सच में मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऑनेस्टली बताऊँ ना तो सबसे ज़्यादा तो यही लग रहा है मेरे को। मतलब देखो सबसे पहले नंबर पे तो यार मैं बोलूँगा तो ये वाला गेमिंग रूम लग रहा है मेरे को। उसके बाद तुम लोग बोलोगे तो वैसे बराबर ही स्कोर दूंगा मैं सबको, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। टॉय वाला थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लग रहा है, मतलब उतना ज़्यादा खास नहीं लगा ये मेरे को लगा, बट ओके ओके। बट ये वाला रूम और भाई सबसे ज़्यादा तो ये वाला रूम क्या लग रहा है यार, पूरा सामान मैंने ला ला के भर दिया भाई, जितने भी सामान थे सबको यहाँ पे ला के भर दिया है। एंड बस फ्रिज का सामान लाना बाकी है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि फ्रिज का सामान लाने के लिए अपन चले जाते हैं डिलीवरी शॉप पे, और मेरे पास पैसे नहीं बचे तुम लोग देख सकते हो। तो थोड़ा सा इस गेम को भी अभी ऑफलाइन ग्राइंड करूंगा, अभी सिर्फ 7700 कुछ रुपए बाकी है भाई। सीरियसली गेम बॉय तूने कितना खर्चा कर दिया, देख लो भाई कितना खर्चा लगता है। एक ये ले लेता हूँ, मतलब दुनिया भर की चीज़ें लेनी पड़ेगी ना भाई मेरे को, तो भी मैं क्या करता हूँ कि ये सब चीज़ें मैं ले लेता हूँ एंड जमा लेता हूँ, एंड उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ भाई कि कैसा लगने वाला है फिर हमारा स्टोर। A few moments later. Okay guys, यहाँ पर मैं भी पूरा का पूरा जो सामान है वो रख दिया है। अभी यहाँ पर तुम लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। अब बताओ यार कैसा लग रहा है मेरा फ्रिज भी भाई, अभी ब्लैडर भी फुल हो चुका है भाई, 2-4-5 दिन से मैं काम कर रहा हूँ इस शॉप पे। अब बताओ तुम लोग कैसा, अब तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, सच बताओ तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। मेरे को नहीं लगा था कि फ्रिज रखूँगा तो उतना ज़्यादा और अच्छा लगेगा, मेरे को लगा था कि फ्रिज रखूँगा तो बेकार लगेगा, बट सच में फ्रिज रखा तो और भी ज़्यादा पॉपी लग रहा है भाई मेरा शॉप। होली शिट भाई, सच बता रहा हूँ अनएक्सपेक्टेड भाई यहाँ पर ये हुआ है, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि सच में इतना ज़्यादा बवाल लगने वाला है हमारा शॉप। यहाँ पर ग्रोसरी शॉप है यहाँ पर, ये हमारा जो भी चीज़ें भाई खरीदनी आ जाओ भाई मेरे शॉप पे खरीद लो भाई, जो भी खरीदना है भाई हैं। थोड़े से बस महंगे बेचूंगा क्योंकि भाई इसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, तो वसूल तो तुम्हारे ही से करूँगा ना मैं। समझ रहे हो तुम लोग। अब बताओ भाई कैसा लग रहा है, अब फटाफट से कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। एंड और भी सजेशंस भाई देते रहो, आइडियाज़ देते रहो कि और भी मैं क्या क्या चीज़ें करूं। एंड यार देखो ट्रेडर लव सिमुलेटर आई नो तुम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट अदर गेम्स जो खेल रहा हूँ ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे कि रैन सिमुलेटर एंड अदर स्टोरी मोड्स भी गेम खेला हुआ हूँ, तो आप लोग वो चेकआउट भी कर सकते हो, वो भी तुम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यार ऐसा नहीं है कि आप लोग को एक ही सीरीज को सपोर्ट करना है, एंड फ्यूचर में और भी सीरीज लाने वाला हूँ, जैसे कि गैस स्टेशन सिम्युलेटर एंड आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। मुझे कमेंट करके बताना कि आर्क सर्वाइवल के बारे में आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो और भी ज़्यादा मजा आएगा जानने में जब मैं खेलूंगा तो। एंड गाइस यार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आर्क सर्वाइवल इवॉल्व भी अपन कितनी जल्दी स्टार्ट करें, मतलब कब स्टार्ट करें, क्योंकि यार आर्क सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग गेम है, उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। होप करता हूँ कि मैं जो भी सीरीज स्टार्ट करूंगा आप लोग उसमें मेरा साथ दोगे, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे। और गाइस यार अगर आप लोगों ने अभी तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। यहाँ पे तुम लोग रेस्टियो देख सकते हो कितने लोगों ने बस सब्सक्राइब किया हुआ है, बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो। तो अगर तुम लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, फ्यूचर में और भी मेरे गेम प्लेस देखना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर से करना, और जो बाजू में जो बेल आइकन उसे ऑल पे सेट कर देना ताकि मैं कोई भी गेम प्लेस डालूं तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग फटाफट से वो गेम प्लेस देख पाए और एंजॉय कर पाए। एंड गाइस यार रैन सिमुलेटर में भी आप लोगों उसके आइडियाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम लोगों को कमेंट से और तुम्हारे आइडियाज से मेरे को पता लग जाता है कि यार मेरे को क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। एंड गाइस यार जाओ वो सीरीज भी अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो जाओ फटाफट से देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि वो सीरीज भी आप लोगों को कैसा लग रहा है। सो गाइस यार मैं चलता हूं आप लोग के लिए ऐसा और तबाहीदार गेम प्लेस रिकॉर्ड करने के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।